केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन सर। तो आज मैं क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं। लेक्चर नंबर 3 में इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डियर, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। What do you mean by double displacement reaction? Okay, so double displacement reaction. What do you mean by double displacement reaction? When two compounds reacts to form two new substances by mutual sharing of ions is known as double displacement reaction. Okay, when two compounds reacts to form two new substances, two new compound by exchange of ions, by mutual exchange of ion, mutual exchange of ions between them, the reaction is known as double displacement reaction. Mutual exchange का मतलब क्या हुआ? एक कंपाउंड का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन को लेगा और दूसरे कंपाउंड का केटायन पहले कंपाउंड के एनायन को लेगा। दिस इज टर्म्ड एज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। पहला का केटायन दूसरे के एनायन से, दूसरा का केटायन पहले के एनायन से। केटायन मींस पॉजिटिव आयन, एनायन मींस निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड केटायन, निगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। तो पहले का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन से कंबाइन करेगा और दूसरे कंपाउंड का केटायन पहले कंपाउंड के एनायन से कंबाइन करेगा। दिस इज टर्म्ड एज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन फेज ओनली। ओके डियर, double displacement reaction takes place in solution phase only। यानी दो कंपाउंड लेंगे,
दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे, तभी यह डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इन द न्यू कंपाउंड इफ वन इज प्रेसिपिटेट देन द रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म इफ द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म प्रेसिपिटेट देन इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, राइट डाउन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स precipitate, in short form we write PPT, precipitate, then the reaction is termed as reaction is in double displacement reaction if one of the product form, one of the product forms या forming, forms या forming precipitate, then the reaction is termed as precipitation reaction. Okay, example, in a solution of sodium chloride NaCl aqueous means NaCl dissolved in water, aqueous means NaCl dissolved in water, NaCl you add solution of silver nitrate aqueous, silver nitrate also dissolved in water, तो दोनों compound solution phase में आ गया। अब Na plus Cl minus, similarly Ag plus NO3 minus, dear तुम जान रहे हो कि metal पे हमेशा positive charge होता है और non-metallic part पे हमेशा negative charge होता है। metal electron lose करके positive charge लाता है, non-metal electron gain करके negative charge लाता है। तो metal को हम लोग cation बोलते हैं और रेस्ट जो एनायनिक पार्ट है जिसपे निगेटिव चार्ज है उसको एनायन बोलते हैं। इन NaCl Na इज केटायन एंड Cl इज एनायन, व्हाइल इन AgNO3 Ag इज केटायन एंड नाइट्रेट इज एनायन। ओके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट दोनों का सॉल्यूशन लिया और दोनों को मिला दिए। एक्सचेंज ऑफ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका केटायन इसके एनायन को लेगा और इसका केटायन इसके एनायन को लेगा, एक कंपाउंड का केटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन को लेगा, दूसरे कंपाउंड का केटायन, केटायन मींस पॉजिटिव आयन, पहले के एनायन को लेगा, दिस इज नोन एज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो प्रोडक्ट बन जाएगा AgCl और ये सॉलिड बनेगा, नीचे इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट सेमी सॉलिड मास में नीचे जम जाएगा और वह डिसॉल्व नहीं होगा लिक्विड में,
वो नीचे बैठ जाएगा कलेक्टर के, इसी का नाम है प्रेसिपिटेट, जो हम पहले प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं। प्लस NaNO3, ये एक्वस यानी पानी के रूप में सॉल्यूशन है, ऊपर तैरेगा, ये नीचे सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट जम जाएगा, ऊपर सोडियम नाइट्रेट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स और फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट, अगर एक प्रोडक्ट भी बन रहा है प्रेसिपिटेट बना रहा है, देन द रिएक्शन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे NaCl के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाले, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना और NaNO3 एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन के फॉर्म में रह गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सम प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म एंड द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट में NCERT में जो जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन प्रेसिपिटेट वाला है उसको आप लोग जरूर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल FeS प्लस H2SO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 FeS प्लस H2SO4 बोथ आर इन एक्वस फॉर्म। ओके, H2S प्लस FeSO4 इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड FeSO4 इज फॉर्म्ड। तो FeS के सॉल्यूशन में ये AQ है, AQ H2SO4 AQ, यानी FeS को भी पानी में डाले हैं, H2SO4 को भी पानी में डाले हैं और दोनों का जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, यहां लिख दिए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन फेज ओनली, और इन दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन के निकल गया, FeSO4 एक्वस बन के रह गया, FeSO4 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, इसीलिए ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट CuSO4। नेक्स्ट एग्जाम्पल CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्ट करके बनाया CuOH2। इसका भी प्रेसिपिटेट बनेगा, अब प्लस NH4 होल टू SO4, तो इसका नाम लिख लीजिए कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है, और बनाया कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 होल टू SO4 एक्वस, इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट, और ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके,
कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका भी प्रेसिपिटेट होगा वाइट प्रेसिपिटेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेट कैसा होगा? ब्लूइश वाइट। सिर्फ वाइट नहीं, कॉपर ब्लू होता है, ब्लूइश वाइट। ब्लूइश वाइट BLUISH ब्लूइश वाइट। ओके नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एक्वस, बेरियम क्लोराइड BARIUM बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट गिव्स BASO4। ये भी प्रेसिपिटेट बनेगा और प्लस 2NaCl ये एक्वस बनेगा। ये हो गया बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। डियर स्टूडेंट इसका भी प्रेसिपिटेट कैसा होगा? व्हाइट होगा। इसका भी प्रेसिपिटेट कैसा होगा? व्हाइट होगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल वेयर इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यू पास H2S गैस। ओके इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस यू पास H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन Cu2S इज फॉर्म्ड, सॉरी CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट H2S गैस, CuS कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 एक्वस। ये भी प्रेसिपिटेट बनेगा और इसका कलर होगा ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी। सारे प्रेसिपिटेट का कलर को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट, व्हेन इन ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट वी ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट वी ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया PbNO3 एक्वस लेड नाइट्रेट LEAD लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला याद रखिएगा, वी ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, देन PbI2 ये भी प्रेसिपिटेट बनेगा लेड आयोडाइड,
लेड आयोडाइड येलो इन कलर, येलो प्रेसिपिटेट प्लस टू PbNO3 का होल टू, टू के एन ओ थ्री एक्वस पोटासियम नाइट्रेट ओके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था वो सारा हम करा दिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्वस फेज में ही होगा, सॉल्यूशन में ही होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर एक भी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बनेगा तब इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। डियर, हर प्रेसिपिटेट का कलर और फॉर्मूला याद कीजिए। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस यू फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। विच एलिमेंट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड विच एलिमेंट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस इज डिसाइड on the basis of writing their electronic configuration. Okay, if outermost orbit, valence orbit, outermost orbit ko hum log kya kehte hain, valence orbit, if outermost orbit containing 5 6 7 electron, 5 6 7 electron means more than 4, 5, 6, 7 electron, then they form negative ion by accepting, by gaining the electron. अगर किसी element के outermost orbit में more than 3 electron है तो वह क्या करेगा, electron gain करके negative ion बनाएगा, okay? And that element is said to be electronegative element. That element is said to be electronegative element. And if elements having 1, 2 and 3 electron in the outermost orbit, then they can form positive ion by losing electron. Agar kisi bhi element ke outermost orbit mein 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोर देन 3, तब वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाएगा। इफ एलिमेंट फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, इफ एलिमेंट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज देन इट इज सेड टू बी electropositive element. If element acquires negative charge by gaining electron, it is said to be electronegative element. Okay? Oxygen, atomic number 8, K and L,
2 and 6. K is the first orbit and L is the last orbit. What is the number of electron in the last orbit? 6. Then it can gain, at least kitna electron? 2 electron. Losing or gaining ऑक्टेट को पुराने के लिए होता है, इनर्टनेस में जाने के लिए होता है, ओके? तो वह उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जितना से 8 पुर जाए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ओके? इनर्ट गैस में सिर्फ हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी सारे इनर्ट गैस को 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग मेजॉरिटी को देख करके ऑक्टेट 8 के लिए नाम दिए, ड्यूएट 2 के लिए नाम दिए, ठीक है? तो हम लोग क्या किए, या ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 2 लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 6. तो जब लास्ट ऑर्बिट में मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और निगेटिव आयन बनाएगा. तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जितना से कि 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाए. यहाँ पे 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ गया, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण. तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. ओके, सिमिलरली फ्लोरीन 9, 2 और 7, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7. तो फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, ताकि 8 हो जाए और ये अब बन जाएगा कितना? F-. तो F- का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8. F का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2 और 7. जब एक इलेक्ट्रॉन को लेके F माइनस बन गया तो 7 से 8 हो गया. उसी तरह ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 8. O2 माइनस का, जब ये O के फॉर्म में था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2 और 6. इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था, 8 पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ गया, 2 और 8 हो गया. तो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट. ओके, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और इस पे H+ चार्ज आ जाता है, लाइक सोडियम. जैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बंध में बदल जाता है. तो जब ये प्लस आ गया तो इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. आप धीरे धीरे नोट बनाइए, पढ़िए, कमेंट कीजिए. ओके, थैंक यू, बाय.